तस्वीर नहीं जैसे स्किन नहीं अच्छी नहीं बच्चा फेमस है आज थोड़ा एक्स्ट्रो मैंने एक ही दफा नहीं बोल दिया वैसे आज इधर भाई बहुत अच्छी लगती है अच्छी लगती है क्यों अच्छी लगती है करें स्टार्ट आज मेरे साथ मौजूद है टिकटॉक के वो सितारे जो अपनी वीडियो से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते हैं आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं और उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम नाम अवैस अली क्या हाल चाल है आपके ठीक ठाक है अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं कि टिकटॉक का फेम शौक कहाँ से पैदा हुआ पहले जब वीडियो टिकटॉक स्टार्ट हुआ था तब तो इतना नहीं था इंक्रीज वगैरह कुछ था दोस्तों को देखते थे बनाते हुए जब उनको फेम मिलने लग गया लोग आने लग गए उनके पास तो उसके बाद अच्छा वैसे टिकटॉक पे जब आप वीडियो बनाते हैं ऑब्वियसली टाइम भी स्पेंड होता है तो टाइम वहाँ पे देने से घर वालों का क्या रिएक्शन होता है घर वाले क्या कहते हैं कुछ कहते भी हैं या नहीं घर वाले पहले गुस्सा करते थे अब जब फेम मिलने लग गया फॉलोअर अच्छे आ रहे हैं तो अब वो भी इतना नहीं गुस्सा करते अच्छा जब सुबह उठते हैं और फ़ोन पकड़ते हैं और देखते हैं कि इतने फॉलोअर्स हैं या इतने इंक्रीज़ हो रहे हैं इतने डिक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या फील होता है बहुत अच्छा फील होता है और देखने के बाद यही होता है कि आगे वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी बने और ज़्यादा फॉलोअर कौन सा टिकटॉकर है जिससे आप इंस्पायर्ड हैं हारिस अली फीमेल टिकटॉकर में से कौन आपका फेवरेट टिकटॉकर है मलिंग नाय अच्छा जी वजह बस उनका कपल अच्छा लगता है वीडियो अच्छी दोनों बनाते हैं केले भी अच्छी बनाते हैं और साथ में भी कपल भी अच्छा है उनका नहीं फीमेल की तो कोई स्पेशल वजह होगी बहुत अच्छी लगती है अच्छी लगती है क्यों अच्छी लगती है लुक्स अच्छी लगती हैं फेस एक्सप्रेशंस अच्छे लगते हैं क्या अच्छा लगता है एक उसकी लिपसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसकी ड्रेसिंग भी हर चीज़ अच्छी है जब बाहर जाते हैं यानी कि इतने माशाल्लाह फॉलोअर्स हैं कभी कोई पहचानता है कि अच्छा ये वो वाले टिकटॉकर हैं जी एक दो दफ़ा तो रेस्टोरेंट में मिले हैं लोग उधर आके पिक्स वगैरह बनाई और दोस्त भी थे साथ जब उन्होंने देखा कि मेरे साथ आके पिक्स वगैरह ले रहे हैं फिर उन्होंने भी अब अपना आईडी वगैरह शुरू की है बनाई है वीडियो वगैरह वो भी बनाना शुरू कर दिया उन्होंने अच्छा मैं पूछ रही थी अगर टिकटॉक पाकिस्तान में भी बैन हो जाए जैसा कि आपको पता है इंडिया में बैन हो गया है तो आप क्या करेंगे उसके बाद यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दिया चैनल बनाया उस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और इंस्टा पर भी तो उसके बाद यूट्यूब ज़्यादा प्रेफर करेंगे इन फ्यूचर क्या करेंगे यानी कि टिकटॉक से क्या मकसद हासिल होगा आपका अगर आप बहुत फेमस भी हो जाते हैं तो एक्टिंग का शौक है उसके बाद अगर ड्रामों में चांस मिलता है तो ड्रामे होंगे तो घर वाले अलाउ करेंगे कर देंगे वो खुश हैं और सपोर्ट करते हैं हमने बात किया अवैस अली से और जाना कि टिकटॉक स्टार अपने लिए क्या सोचते हैं और वो वीडियोस क्यों बनाते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़